अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे सेवैयाँ रबड़ी कटोरी, जो देखने में बहुत ही खूबसूरत और खाने में बहुत ही मज़ेदार। इसे वर्मासेली रबड़ी कटोरी भी कहा जाता है, जो बाहर से क्रिस्पी अंदर से सॉफ्ट होती है। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले लेंगे हम 150 ग्राम सेवैयाँ। मैंने यहाँ पर बारीक सेवैयाँ लिया है, आप चाहे तो नॉर्मल मोटे सेवैयाँ से भी इसको बना सकते हैं। अब हम इसको हाथों से अच्छे से क्रश कर लेंगे। सेवैयाँ अच्छे से क्रश हो चुकी हैं, चलिए इसको रोस्ट कर लेते हैं। अब लेंगे एक पैन और इसमें डालेंगे 1 चम्मच बटर, डालकर इसको अच्छे से मेल्ट करेंगे। अगर आप चाहें तो इसमें 1 चम्मच देसी घी डालकर भी इसको अच्छे से रोस्ट कर सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे क्रश की हुई सेवैयाँ, डालकर इसको अच्छे से भून लेंगे। ध्यान रहे हमें इसको जलाना नहीं है, लो फ्लेम पे इसको हमें 5 मिनट तक भूनना है। 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे अच्छे फ्लेवर के लिए 1/2 चम्मच इलायची पाउडर, डालकर इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इस पर स्प्रिंकल करेंगे 2 चम्मच पानी, ताकि सेवियाँ सॉफ्ट हो। हमें पानी का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करना है। अच्छे टेस्ट के लिए इसमें डालेंगे 6 चम्मच मिल्क मेड, डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे। सेवियाँ अच्छे से रोस्ट हो चुकी हैं। अब हम इसका फ्लेम बंद कर देते हैं। हमें इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी रखनी चाहिए। और बनाते हैं सेवियों की कटोरी। अब हम लेंगे 1 कप केक मोल्ड और इसमें डालेंगे एल्युमिनियम फॉइल, डालकर इसको एक कटोरी का शेप देंगे और इसमें डालेंगे सेवैयाँ। ध्यान रखें सेवैयाँ गर्म रहें, तभी ये कटोरी का शेप में बनेंगी। अगर आपके पास कप केक मोल्ड नहीं है तो आप घर की किसी स्टील कटोरी या सिलिकॉन कटोरी में भी आप इसको बना सकते हैं। कटोरियां अच्छे से बन चुकी हैं, चलिए अब हम इसको फ्रिज में 1/2 घंटे के लिए रख देते हैं। अब बनाते हैं रबड़ी। इसके लिए लेंगे हम एक पैन और इसमें डालेंगे 1/2 लीटर फुल क्रीम मिल्क, डालकर अच्छे से गर्म करेंगे। एक बॉल में थोड़ा सा दूध निकालकर इसमें डालेंगे 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर और 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर, डालकर इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि इसमें कोई लंस ना रहे। दूध में अच्छे से उबाल आ चुका है, अब इस मलाई को स्क्रैप करेंगे और इसमें ही मिला देंगे और इसमें डालेंगे 1/2 कप मिल्क में, डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे और इसमें डालेंगे कस्टर्ड पाउडर का मिक्सचर, थोड़ा थोड़ा डालकर इसको मिक्स करेंगे ताकि इसमें कोई लंस ना बने और इसमें डालेंगे अच्छी सी खुशबू के लिए थोड़ा सा इलायची पाउडर, डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे। रबड़ी अच्छे से बन चुकी है, हमें इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी रखनी चाहिए। अब हम इसका फ्लेम बंद कर देते हैं और इसको ठंडा कर लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कटोरियां अच्छे से सेट हो चुकी हैं। अब हम इसकी सिल्वर फॉइल निकाल लेते हैं। अब इन कटोरियों में डालेंगे ठंडी ठंडी मजेदार सी रबड़ी, डालकर इसको अच्छे से फूल करेंगे। इसको और खूबसूरत बनाने के लिए हम इस पर गार्निश करेंगे कुछ पिस्ता और गुलाब की पत्तियों से। अब सेवैयाँ रबड़ी कटोरी बनकर तैयार है। आप इस ईद पे इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें।
आई होप आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक बहुत ही मज़ेदार रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।